Static potential is your new chapter. Now write down. To show that electrostatic field is conservative in nature. To show that electrostatic field is conservative in nature. तो आप सब जानते हैं वो सारी field या forces conservative होती हैं. Work done by which does not depend upon path, right? तो हमें शो करना होगा दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ. इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. लिखिए जरा, आप एक चार्ज क्यू कंसीडर करें ऐसे, राइट, कंसीडर ए चार्ज क्यू और दूसरे चार्ज को क्यू नॉट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे टेस्ट चार्ज बोलते हो आप लोग Q नॉट. इसे A से लेकर और B तक मूव करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Q. सो Q की फील्ड Q नॉट को A से B तक मूव करवाएगी. हम उसका वर्क डन निकालेंगे. अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट आ गया तो वी कैन से दैट इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर. ये शो कीजिए. यहां से A का डिस्टेंस आर ए, B का डिस्टेंस आर बी. And this charge Q naught will be moved. Write down. Let us consider charge Q fixed at a position. And calculate. Work done by its electrostatic field slash force, कुछ भी लिख दीजिए, in moving a charge Q naught from A to B. ठीक है, from A to B. राइट, हम सब जानते हैं वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट दैट इज वैलिड ओनली व्हेन द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट. राइट नाउ वी आर डीलिंग विद अ सिचुएशन वेयर इट्स नॉट रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. सो वी नो फोर्स डिपेंड्स अपॉन आर, इट्स अ वेरिएबल फोर्स. सो इन दैट केस वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. सो लिखिए जरा, लेट एट एन इंस्टेंट the separation between charges be r, आप यहां पे ऐसे dr शो कर दें, separation between charges be r लिख दें, electrostatic force between them f is equal to k q q naught by r square into r cap. K, Q1, Q2 upon R square into direction. अच्छा, जब मैं direction दिखाता हूं तो ये assume करके चलता हूं ना, charges like है unlike है, तो वो आपको हमेशा assumption में बताना पड़ेगा. I am assuming that Q, Q0 is greater than 0. ये आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, ये एक चीज आप electrostats में बहुत बहुत ज्यादा conscious होकर ध्यान रखेंगे. ग्रेविटेशन के अंदर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती थी, कोई पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा नहीं था. बट व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हियर द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, चार्जेस आर लाइक एज वेल एज अनलाइक, राइट. सो वी हैव टू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ चार्ज कॉन्फिगरेशन आर वी यूजिंग. सो वी आर यूजिंग लाइक चार्जेस, सो दे रिपेल ईच अदर, दैट्स व्हाई द फोर्स इज राइटवर्ड्स. एंड यू नो जब आप आउटवर्ड जाएंगे तो उस डायरेक्शन को क्या डिफाइन करेंगे, आर कैप, दिस बिकम्स आर कैप. ठीक है, हो गया. अब देखें, F becomes equal to K Q Q1 Q2 यानी Q Q naught upon R square into R cap. लिख दीजिए, work done by this force during a very small displacement dr. इसको आप dr वेक्टर की फॉर्म में लिखना. So that work done dw becomes equal to F dot dr, f dot dr, that becomes equal to k q q naught
अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, बिकॉज कॉस ऑफ जीरो इज देयर, फोर्स इज राइट वर्ड्स, डी आर इज ऑल्सो राइट वर्ड्स, सो वी विल यूज, अगर आप चाहते लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस ऑफ जीरो. ठीक है, दैट इज डी डब्ल्यू. फिर लिख दीजिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन टेकिंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, टोटल वर्क डन इन टेकिंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, सो दैट टोटल वर्क डन बिकम्स इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम ए टू बी. दिस ए के लिए डिस्टेंस कितना है आर ए, और बी के लिए आर बी. सो फ्रॉम आर ए टू आर बी, बिकॉज आर इज द वेरिएबल है. नाउ दैट बिकम्स इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट्स. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर, इट इज माइनस वन अपॉन आर, माइनस वन अपॉन आर फ्रॉम आर ए टू आर बी, राइट. दैट गिव्स वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, बिकॉज देर इज अ नेगेटिव साइन, सो वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी. दिस इज द रिजल्ट वी वर लुकिंग फॉर. वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स इज ड्यू टू फील्ड ओनली, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ क्यू, दैट इज के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी. आपको यहां पे जो चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, वन अपॉन आर ए, आर ए वॉज द इनिशियल पोजिशन एंड आर बी इज द फाइनल पोजिशन. सो जब भी आप वर्क डन बाय फील्ड सॉल्व कर रहे हैं, इट हैज टू बी वन अपॉन आर इनिशियल माइनस वन अपॉन आर फाइनल. प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, इट हैज टू बी वन अपॉन आर इनिशियल, इनिशियल टू दिस इज आर फाइनल. ठीक है, और याद रखें यहां पे आपको चार्जेस के साइन यूज करने पड़ेंगे. स्टार मार्क करके लिख दीजिए, वी नीड टू कंसिडर साइन ऑफ अ चार्ज, वी नीड टू कंसिडर साइन ऑफ अ चार्ज. तो वो आपको मैं समझा भी देता हूं, यहां पे देखें ध्यान से. अभी तो हमने लाइट चार्जेस कंसिडर किए तो रिपेल कर रहा था. सपोज ये अनलाइट चार्जेस होते, क्यू नॉट हैड क्यू नॉट बीन नेगेटिव, नेगेटिव होता तो दे वुड हैव बीन एन अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होती तो यहां ऑलरेडी थीटा 180 बन जाता. सो इन दैट केस कॉस 180 वुड हैव बीन माइनस वन, सो सारा आंसर नेगेटिव से चेंज हो जाता. सो वन अपॉन आर फाइनल माइनस वन अपॉन आर इनिशियल आता. सो वो मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नेगेटिव साइन यहां से ले आओ ना, क्यू नॉट की वैल्यू नेगेटिव पुट करो. सो दो बातें, व्हेन इट इज अबाउट वर्क डन बाय द फील्ड, वन अपॉन आर इनिशियल माइनस वन अपॉन आर फाइनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट द साइन ऑफ दीज चार्जेस. होप इट्स क्लियर. अब स्टार मार्क करके लिखे, लिखिए जरा. इट इज क्लियर, इट इज क्लियर that the work done, work done depends only on initial and final position, initial and final position. So it is independent, it is independent of the path followed, independent of the path followed. Path का कहीं कोई importance ही नहीं रही, क्योंकि सिर्फ initial और final position पे depend कर रहा है. ठीक है, hence electrostatic field is conservative in nature. Hence electrostatic field is conservative in nature. Done. Now if we talk about calculating work done along a closed path, लिखिए work done along a closed path, along closed path is zero. Work done along a closed path is zero. You can make this kind of a diagram. This is say RA, and for this point say it is RB. Right? Point A has a position vector RA, B has a position vector RB. And suppose first the charge is taken along the path AB and then taken back along the path BA.
इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. से अ चार्ज q इज प्रेजेंट हियर एंड q नॉट इज मूव्ड अलोंग दिस पाथ. राइट, दो वी डिराइव्ड फॉर अ स्ट्रेट लाइन, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर अ कर्व्ड पाथ एज वेल. आप लिख दें, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन इन टेकिंग बैक फ्रॉम बी टू ए. सो हाउ मच इज इट? इट इज के क्यू क्यू नॉट इंटू वन अपॉन. आपको बताया वी आर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय द फील्ड, सो इट हैज टू बी वन अपॉन इनिशियल माइनस वन अपॉन फाइनल, वन अपॉन आर ए माइनस वन अपॉन आर बी. Whereas WBA becomes K Q Q naught into initial now is RB, 1 upon RB minus 1 upon RA. So obviously that becomes 0. RA gets cancelled and 1 upon RA and 1 upon RB both get cancelled here. So it was very simple to understand. Somebody could straight away say, so the initial point and the final point have become same. So it is independent of path. 1 upon RA minus 1 upon RA becomes 0, but I've split it in two parts, like going from A to B and B to A, that also gives me 0. Hope it's clear to everyone now. हमने इस derivation में सिर्फ एक ही बात समझी, work done by electric field is independent of path, so that work done along closed path comes out to be 0, and the expression is KQ Q0 1 upon RA minus 1 upon RB. अब next लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एक सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की जाए? आप लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है, हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ रेफरेंस. तो हमें एक रेफरेंस चूज करना पड़ेगा और फिर चार्जेस को मूव करना पड़ेगा, उस मूवमेंट में जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी. आप स्ट्रेट अवे डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. राइट डाउन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस मे बी डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन In bringing these charges from infinity to their respective positions, from infinity to their respective positions, keeping in equilibrium against electrostatic force. Keeping in equilibrium against electrostatic force. ठीक है, तो charges के ऊपर electrostatic force लग रही होगी, आप उतनी ही equal and opposite force लगाते हैं जिससे net force zero हो जाती है. Net force zero होने का benefit क्या है? Equilibrium जब produce हो गया तो कोई acceleration नहीं है, कोई change in velocity नहीं है. तो अगर charges infinity पे rest में present थे तो आप ये मानेंगे कि आप उनको infinitesimally slow, समझते हैं, ऐसे करके इनफाइनाइटेसिमली स्लो, जैसे यहां से यहां तक के सेपरेशन रिड्यूस करने में पूरा दिन लग गया. सो क्वेश्चन डेफिनेटली पॉप्स अप, सर अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो मूव कैसे करेंगे? आई एग्री टू दैट, बट दैट सेम क्वेश्चन वाज देयर व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ये आपको समझना पड़ेगा कि हम ना के बराबर आप फोर्स कंसिडर करते हो इसको ऐसे पास लेके आते हो, बट एक्चुअली ये ट्रू कॉन्सेप्ट नहीं है. ट्रू कॉन्सेप्ट क्या है मैं इसके बाद आपको दोबारा लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. सो आई विल जस्ट टेल यू दैट. अभी समझे आप एक बार, अगर हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम रहा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, तो सिर्फ कौन सी एनर्जी चेंज हुई? वर्क डन सारे का सारा किस फॉर्म में चला गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला गया. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू टॉक ओनली अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, सो वी टॉक काइनेटिक एनर्जी चेंज टू बी जीरो. बस इतनी सी बात समझ लीजिए. ठीक है, यहां स्टार मार्क करके लिखिए रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी is chosen at infinity. Reference of zero potential energy is chosen at infinity.
और उसका सिंपल रीजन है बिकॉज बिकॉज देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस एट इनफाइनाइट सेपरेशन बिकॉज देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस एट इनफाइनाइट सेपरेशन. तो जब चार्जेस के बीच की सेपरेशन इनफाइनाइट होती है तो उनकी इंटरेक्शन को आप जीरो काउंट कर सकते हो. जब इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? जीरो. इसलिए चूज करना थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल लगता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे रिजल्ट्स डिराइव करते हैं. होप इट्स क्लियर. चलिए अब आप इसकी एक्चुअल डेफिनेशन लिखिए, लिखिए स्टार मार्क करके. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मे बी डिफाइंड एज negative of work done by electrostatic field, negative of work done by electrostatic field in bringing all the charges from infinity to their respective positions, from infinity to their respective positions. ठीक है, मैंने क्यों कहा ये रियल कॉन्सेप्ट है? याद करो प्लस वन में आपने मैकेनिकल एनर्जी अंडरस्टैंड किया था, पोटेंशियल एनर्जी अंडरस्टैंड किया था, तो वहां पे क्या पढ़ा था आपने? एक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? यू कैन टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ओनली व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स. तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन का नेगेटिव ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. तो आप ऐसे लिखेंगे यहां पर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. और यहां पर हमारी कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, ये ट्रू कॉन्सेप्ट है. अब सोचो आप, सीधी सी बात है, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो कर लेते हो तो सारे का सारा किस में चला जाता है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. इसलिए ठीक है, सीबीएसई पॉइंट से वो चलता है. हो गई. अब लिखिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस. कंसिडर करते हैं, दिस इज चार्ज Q1, से दिस इज इंफिनिटी, एंड वी वॉन्ट ए चार्ज Q2 एट ए डिस्टेंस से R0. दिस इज पॉइंट ए. आप अल्टीमेटली Q1 Q2 को एक R0 सेपरेशन पे चाहते हो. दिस पॉइंट इज ए. बट करना क्या पड़ेगा? Q1 remains at its position and Q2 has to be brought from infinity to this position. During that, suppose at an instant the separation is R. इस बात को बहुत अच्छे समझिए, हर जगह बार बार यही यूज होगा. कारण क्या है? फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट, फोर्स इज वेरिएबल. इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्स आप R के ऊपर डिपेंडेंस देख पाते हैं, तो आपको हमेशा एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr चूज करनी पड़ेगी. उस dr के ऊपर आपको वर्क डन निकालना होगा, फिर आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. So, बनाए डायग्राम प्लीज. Q1 R0 सेपरेशन पॉइंट ए, दिस इज Q2 अल्टीमेटली जो चाहिए, एंड यू हैव टू ब्रिंग दिस फ्रॉम इंफिनिटी. सो एट एन इंस्टेंट द सेपरेशन इज R एट पॉइंट P एंड फर्दर डिस्प्लेसमेंट इज dr. ठीक है, अब कुछ एक कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर लाना तो इंफिनिटी से है, फिर dr इधर की तरफ क्यों शो कर रहे हैं? सी, dr कैन नेवर बी शोन इनवर्ड्स, dr विल ऑलवेज बी आउटवर्ड्स. व्हाई? रेडियस, जैसे आप स्फीयर के सेंटर से रेडियस डिफाइन करोगे तो R1 के बाद अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस dr करना पड़ेगा. सो R1 प्लस dr गिव्स यू R2. बट एट द एंड ऑफ द डेरिवेशन विल कम टू नो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रिजल्ट एग्जैक्टली सही आता है. ठीक है, dr बन गए. अब लिख दीजिए, लिखिए, लेट एड एन इंस्टेंट सेपरेशन बिटवीन charges Q1 and Q2
बी आर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू टू, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू टू बिकम्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर आर कैप, के क्यू वन क्यू टू पॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहां फिर से दिमाग में वही चीज आती है यार, आर कैप मतलब आपने तो रिपल्सिव डिफाइन कर दी, रिपल्सिव डिफाइन करनी है तो एक एजम्पशन बतानी पड़ेगी ना, व्हाट इज दैट एजम्पशन? हियर क्यू वन क्यू टू इज ग्रेटर देन जीरो, दिस इज द एजम्पशन, वी आर कंसिडरिंग लाइक चार्जेस, सो क्यू वन क्यू टू ग्रेटर देन जीरो, एफ बिकम्स इक्वल टू दिस रिपल्सिव फोर्स आर, फाइन। अब लिखिए जरा, वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर, सो दैट वर्क डन डी डब्ल्यू बिकम्स इक्वल टू एफ डॉट डी आर, एफ इज राइट वर्ड्स, डी आर इज राइट वर्ड्स, एफ डी आर कॉस ऑफ जीरो। Got that? So that becomes k q1 q2 by r square into dr. That becomes the work done. Work done by what? Work done by this electrostatic force on q2 during a small displacement dr as shown. Ab likhiye, total work done, total work done in bringing q2 from infinity to point A, in bringing Q2 from infinity to point A. So obviously, in bringing from infinity to point A, I am reducing the separation from infinite to R0. So work done becomes equal to integration K Q1 Q2 by R square dr, कहां से कहां? From infinite separation to R0. ठीक है, यहां पर जो सिंबल लिखना है, यू मे राइट इनफाइनाइट और यू मे राइट आर इनफाइनाइट, दैट्स वन सेम थिंग, गॉट दैट? नाउ के क्यू वन क्यू टू आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन आर स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी माइनस वन बाय आर, एंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर नॉट, नाउ दैट इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, there is a negative sign, so it gives me 1 upon infinity minus 1 upon r naught. Jaisa ki aapne padhai, in case of work done by electric field, it has to be 1 upon initial minus 1 upon final. So initial was infinite and final is r naught. So the same is the result here. So it becomes minus of k q1 q2 by r naught, because 1 upon infinity becomes 0. This comes out to be the work done. Work done by electrostatic field. Now, what is the concept? Concept says that the potential energy stored will be negative of work done by conservative force. Write down. Electrostatic potential energy stored, क्योंकि वहां पे zero मानी है आपने, electrostatic potential energy stored is negative of this work done. Is negative of this work done. U is equal to minus of W, that is, it becomes K Q1 Q2 by R0. K Q1 Q2 by R0. ये है आपका true concept. आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ conservative field के work के form में आप potential energy को पढ़ सकते हैं. ठीक है, hope this is clear. अब इसमें लिख दीजिए, ऐसा unit is joule, because it is work, so SI unit is joule. Dimensional formula, same as work, ML2 T minus 2, like that. Dimensional formula,
Ml2 T माइनस टू। सो इस बात से कहीं फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपसे किस तरह की एनर्जी पूछ रहा है, whether it is gravitational potential energy or it is electrostatic potential energy, it is an energy. So the unit as well as dimensional formula remains same. Got that? ठीक है, अब लिखिए in general for two charges u is equal to k q1 q2 by r, क्योंकि वहां पे मैंने स्पेसिफिकली r नॉट डाल दिया था ना, तो इन जनरल इट बिकम्स इक्वल टू k q1 q2 upon r, जहां पे r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ठीक है भाई, जरा प्लॉट करके बताओ, प्लॉट कीजिए u वर्सेस r, u वर्सेस r, आई होप नाउ एवरी वन ऑफ यू कैन डू दैट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, सो इट शुड बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इट बिकम्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फाइन, डन, एक और बना दो। चलो मुझे इस बार बनाइए u versus 1 by r, what will be the nature of the graph u versus 1 by r, देख सकते हैं u के सामने 1 by r है, तो 1 by r को अगर मैं x मान लेता हूं तो u is directly proportional to x, when there is direct proportionality the graph is a straight line, ठीक है। तो अगर किसी को क्लियर नहीं था तो ध्यान रखे, 1 by r जब कंसिडर कर लिया तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन, इट गोज लाइक दिस, सो अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन u वर्सेस 1 by r, एंड इट इट वर r इट बिकम्स हाइपरबोला। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, के ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो द आंसर इज इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट डिपेंडिंग अपॉन कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लुक एट दिस 1 अपॉन r, ये तो हमेशा ऐसे रहने वाला है, वी हैव टू रिलाई ऑन प्रोडक्ट q1 q2, इफ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस देयर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट व्हाट इफ द चार्जेस आर अनलाइक ऑपोजिट चार्जेस है, सो इन दैट केस पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोडक्ट गिव्स नेगेटिव साइन, so the slope should be negative, that goes downwards like this, I hope it is clear, to likhe zara, in case of unlike charges u versus 1 by r goes like this, in case of unlike charges it goes like this, hope it's clear, properly clear, r ho gaya 1 by r ho gaya, ab charges ka sign kya tha wo decide karega ki slope positive hai ya negative hai, iske upar question ban ke aa sakta hai, do cheeze samajhni hoti hai us question ke andar, number 1 slope positive negative kya signify kar raha hai, positive slope like charges, negative slope unlike charges, dusri baat in dono mein se ek dusre se zyada hoga, एक स्लोप दूसरे से ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली स्लोप का कम ज्यादा होना किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो इसका मतलब जिस केस में स्लोप ज्यादा होगा वहां पर चार्जेस की मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, सो दैट इज इट। अब लिखिए क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी When two charges come closer, हाँ जी बताएं, when two charges come closer, what happens to the electrostatic potential energy? Does it increase? Does it decrease? Or it may increase or decrease? Yes, you can raise hand to answer this. What happens to electrostatic potential energy when two charges come closer? हाँ रुपेश बोलो सर, रुपेश गिव आंसर, सर इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज, मे क्यों यूज किया आपने सर, डिपेंडिंग ऑन द साइंस ऑफ चार्जेस,
हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो बाकी भी समझ गए होंगे. लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ. सो इट वुड टोटली डिपेंड अपॉन द साइंस ऑफ द चार्जेस. जस्ट सी, U is equal to K Q and Q upon R. If the charges are like charges, their product becomes positive. Now, if R decreases, obviously U increases. But if the charges are unlike, there is a negative sign already here. In that case, as R decreases, no doubt magnitude of U increases, but with a negative sign. So overall, the potential energy decreases in that case. So kindly write down. It depends upon the nature of charges. It depends upon nature of charges. So, like that, it increases for like charges, whereas it decreases for unlike charges. ठीक है, आई होप और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. आप समझ सकते हैं यहाँ पे साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज एक्सप्लेन हो सकता है. फाइन, नेक्स्ट लिखिए. टू डिराइव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस. Electrostatic potential energy of a system of three charges. So let us consider three charges like say this is Q1, Q2 and Q3, and the separations R12, R13 and R23. नेमिंग कर देता हूं, A, B, C. लिखे. Q1, Q2, Q3, R12, R23, R13 and the points are A, B, C. तो लिखिए. Total amount of work done in bringing these charges. Total amount of work done in bringing these charges from infinite separation to their respective positions. Keeping in equilibrium against electrostatic force. Keeping in equilibrium against electrostatic force gets stored as electrostatic potential energy. I hope अब तक आप ये बात ठीक से समझने लगे हैं कि या तो ऐसे बोल दो कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, या फिर ऐसे बोल दो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड कीपिंग इन इक्विलिब्रियम, दैट गेट्स स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द चार्ज कॉन्फिगरेशन. नाउ पे अटेंशन, दीज थ्री चार्जेस आर इनिशियली एट इंफिनिटी, राइट, एंड अज्यूम देयर इज नो अदर चार्ज प्रेजेंट, नो अदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पोजिशन, as there is no electric field, there is no force, and if there is no force, no work is done. Likhe zara. No work is done in bringing Q1, in bringing first charge, that is Q1. No work is done in bringing first charge, that is Q1, as there is no electric field present. There is no electric field present. So that work done for bringing Q1 comes out to be zero. Becomes zero. ठीक है, तो लिखें. Work done in bringing second charge, that is Q2. Work done in bringing second charge, that is Q2.
ये कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से. नाउ Q1 इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर एंड यू जस्ट डिराइव्ड अ रिजल्ट Q1 Q2 पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R, सो दैट इज टू बी अप्लाइड हियर. सो इन द प्रेजेंस ऑफ Q1 इफ यू ब्रिंग Q2 द वर्क डन कम्स आउट टू बी K Q1 Q2 बाय R12. Work done is a scalar physical quantity, so straight away mention K Q1 Q2 upon R12. Done. Now write down. Work done in bringing third charge, that is Q3. Q3. So obviously, अब जो work होगा वो Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी होगा. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों चार्जेस अपना अपना इफेक्ट शो करेंगे, दोनों की वजह से जो वर्क डन होगा उसका सम कर देंगे, दैट विल गिव अस द टोटल वर्क डन. तो लिखिए जरा, W3 इज इक्वल टू, यहां लिख दे, सम ऑफ द वर्क डन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q1 and Q2, sum of work done due to presence of Q1 and Q2. That simply gives me K. Q3 बुला रहे हो Q1 की presence में? K Q1 Q3 by R13 plus K Q2 Q3 by R23 in the presence of Q2. So that simple it is. Mention करें. W3 becomes equal to, we have to calculate the sum, that's it, this is the sum. So first charge ko lane ka work 0, second ko lane ka work, third ko lane ka work, dono ka sum. Ab likh dijiye, hence electrostatic potential energy u find karna aapko, that becomes equal to W1 plus W2 plus W3. तीनों वर्क्स आपको ऐड करने हैं. नाउ दैट बिकम्स इक्वल टू, ऑब्वियसली फर्स्ट तो जीरो था, देन के Q1 Q2 बाय R12 प्लस के Q1 Q3 बाय R13. सी केयरफुली, Q1 Q2 बाय R12, देन Q1 Q3 बाय R13 प्लस के Q2 Q3 बाय R23. ये बन गई सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक के कॉमन, आखिरी एक रिजल्ट ऐसे लिखना तो लिख सकते हैं, के कॉमन Q1 Q2 बाय R12, Q1 Q3 बाय R13 एंड Q2 Q3 बाय R23. दैट्स इट. ये अब लर्न करने वाला लास्ट पार्ट आ गया आपका. If they ask you to find the potential energy of three charges, what we do is we take K common, then take pairs of the charges once. Q1, Q2 ek bar by separation. Q1, Q3 ek bar by